जैकेट से क्या प्रॉब्लम हो गई? आपको इतनी खींचा था नहीं सिर्फ जैकेट के लिए? जैकेट से क्या प्रॉब्लम हो गई? जैकेट वो, हाँ वो क्या जैकेट उसकी थी ना, ज़ारा की। और अरे जैकेट ने एक बार ली, मैंने चढ़ाई दी थी इसलिए कुत्ते ने काट लिया था। तो फिर बोलती कि मेरी निशानी है वो, मैं रखूँगी इसे। तो फिर मैंने बोला भाई वापस ये सब मत करो, क्योंकि ये मेरे अंदर उसे प्रॉब्लम चल रही है कि मालकिन ये सब क्यों कर रही है। जब मैं इन्हें मालकिन समझ रहा हूँ ये मुझे क्यों अपना पसंद और इसके देख देता हूँ। हाँ ये तो हमेशा है कि जब भी वो बोलते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं हम आपके बिना रह नहीं सकते, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी अभी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ है। तो वो बहुत मैन हैवी गो एंड एवरीथिंग दैट, सो इसलिए वो बोला कि नहीं आपको जो भी है अभी जो भी आपको होगा आपकी प्रॉब्लम है, मैं अभी दूर दूँ। आया मुझे झटक गया मेरा हाथ, उम्र हो गई है अभी ऐसा लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, फूल आ गया। मैंने लगाया उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें से आप लोग इतना तो कर ही सकते। आई डोंट थिंक वो बच भी पाएगा, बिकॉज वो अगर चल जाएगा तो चल जाएगा, तो वो अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ इतना तक ही दे रहे हैं कि वो चल रही होगी। जैसे माचिस की होती तो जो आग होती है उससे जॉइंट जलाता है, जॉइंट होता है उससे जलाते हैं, उसका मुंह यहाँ से जल जाता है। और गुस्सा हो जाती है कि यहाँ पे जलने की वजह से मेरे बेटे का मुंह जल गया। फिर उसके बाद और प्रॉब्लम, फिर शिवानी और रंगीला को और प्रॉब्लम, यही है। थैंक यू। हाँ एक काम करो ना, सब लोग कर लो ना साथ में, जैसे हमने कल भी तो किया था। माइक वालों का बड़ा भारी है यार, रोलिंग। आज एसी ने काफी ड्रामा क्रिएट कर दिया है कि तो रूम के एसी कैसे खराब हो गए। रूम के एसी खराब नहीं था, इसके रूम नया रूम मिला है तो नया एसी मिला है, क्योंकि यहाँ बेरहमपुर में बहुत गर्मी है। और वीर जी ने कहा है कि मालकिन बहुत गर्मी लग रही है उनको, उनको ए सी क्योंकि वो बीमार ना होते, उन्हें लू ना लगता, ऐसा एक दिन आएगा ऐसा है। और जैकेट से क्या प्रॉब्लम हो गई? आपको इतनी खींचा था नहीं सिर्फ जैकेट के लिए? जैकेट से क्या प्रॉब्लम हो गई? जैकेट वो, हाँ वो क्या जैकेट उसकी थी ना, ज़ारा की। और अरे जैकेट ने एक बार ली, मैंने चढ़ाई दी थी इसलिए कुत्ते ने काट लिया था। तो फिर बोलती कि मेरी निशानी है वो, मैं रखूँगी इसे। तो फिर मैंने बोला भाई वापस ये सब मत करो, क्योंकि ये मेरे अंदर उसे प्रॉब्लम चल रही है कि मालकिन ये सब क्यों कर रही है। जब मैं इन्हें मालकिन समझ रहा हूँ ये मुझे क्यों अपना पसंद और इसके देख देता हूँ। हाँ ये तो हमेशा है कि जब भी वो बोलते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं हम आपके बिना रह नहीं सकते, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी अभी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ है। तो वो बहुत मैन हैवी गो एंड एवरीथिंग दैट, सो इसलिए वो बोला कि नहीं आपको जो भी है अभी जो भी आपको होगा आपकी प्रॉब्लम है, मैं अभी दूर दूँ। आया मुझे झटक गया मेरा हाथ, उम्र हो गई है अभी ऐसा लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, फूल आ गया। मैंने लगाया 40 मिनट उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें से आप लोग इतना तो कर ही सकते। आई डोंट थिंक वो बच भी पाएगा, बिकॉज वो अगर चल जाएगा तो चल जाएगा, तो वो अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ इतना तक ही दे रहे हैं कि वो मंडीर आ जाएगा। जब जैकेट चल रही होगी जैसे माचिस की होती तो जो आग होती है उससे जॉइंट जलाता है, जॉइंट होता है उससे जलाते हैं, उसका मुँह यहाँ से जल जाता है। और
غصہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ جلنے کی وجہ سے میرے بیٹے کا منہ جل گیا. پھر اس کے بعد اور پرابلم, پھر شیوانی اور رنگیلا کو اور پرابلم, یہی یہی ہے.